पर चहल पहल रहती है। उसके अलावा जो दूसरा नाम है, हमारे जो क्षेत्र की माताएं बहने हैं वो 4:30-5 बजे से माता मंदिर में ढालने के लिए जाती हैं, जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, ये परंपरा है। तो यहाँ 2-3 स्थान है, जैसे नीम वाली माता तो इसकी व्यवस्था सुबह होना चाहिए क्योंकि वो सुनसान जगह रहता है, और शाम के लोग माता जाती हैं। तो ये कार्यक्रम मुख्य रूप से रहते हैं। इसके अलावा कोई कार्यक्रम, और जिस दिन हमारा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम रहता है उस दिन न कोई जुलूस होता है न कोई कार्यक्रम होता है, वो तो सब लोग अपनी अपनी जैसे गणेश जी को लेके जाएंगे उसी तरह लेके जाते हैं। बस ये है सरकार। आप शासन के आप लोग कोई सुझाव देना चाहें तो आप लोग अपना सुझाव दें। कई साहब संचालन कर रहे राष्ट्रीय सरकार ऋषि प्रबंधक महोदय हमारे देश का नाम प्रदेश है। आपने डिटेल से नवदुर्गा के बारे में सबको अवगत करा दिया। शासन के आदेश भी आपके सबके सामने रख दिए। सिर्फ मेरा ये निवेदन है आपसे क्योंकि हमारे भक्तगण वहाँ पर गरिया फाटक में इकट्ठा होकर पुलिस के रूप में मूर्तियाँ लेकर चलते हैं। आपसे निवेदन है कि जो आदमी ऑफिस है गरिया फाटक उसे लेकर ही बैठते हैं, उनसे अगर आपके माध्यम से कहा जाएगा तो जो पानी का बहाव जो आ रहा है वो 24 घंटे चलता है। पानी का बहाव बगल में जो पुलिया उसमें पाइप भी डाले गए उसको चारों रूप से खुलवा दिया जाएगा, तो हमारे भक्तगणों को आने जाने वालों को क्योंकि इतने झूठ भी लगे हैं वहाँ पर बच्चों की काफ़ी दिक्कत होती है, आप लोगों की भी गाड़ी आपके घरों से भी परेशानी होती है। जो अगर इसके पहले 25 तारीख पहले अगर आपके माध्यम से कुछ हो जाए तो हमारे भक्ति बारे में भी बहुत बड़ा उपकार है। हाँ सामने मंदिर है कार्यक्रम कल डेट तो आज का ही डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा डेट तो आज का है लेकिन वही नहीं आया इसलिए तो कल से कर लेना। हम आज से ही चालू करते हैं। देखिए ऐसा है हमें मालूम है अभी शुरुआत में जब आप कुछ करते हैं तो वहाँ 2-4, 10-20 आदमी पीक पे तब आएगा जब मुझे लगता है 3-4 दिन बाद जी तब वहाँ थोड़ा भीड़ जुटेगी। अभी 2-3 दिन तो आपको अपना दिखाना पड़ेगा जी। पहले आदमी सुनता है कान लगा के ढोलक वोलक बजने लगी जी बात करा देना हमें मोहल्ले में करवाते थे जहाँ मूर्ति। चलिए ठीक है तो बताओ हमारे सभी जो है उपस्थित सम्मानित बंधु सबका हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। हमें 4-5 बातें बतानी हैं। एक तो ये है कि मूर्ति जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कहीं पर भी रोड ब्लॉक नहीं होगा। ये सब लोग जान लीजिए कि मूर्ति को अपना साइड में रखना है जहाँ पर रखना है रोड ब्लॉक नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी वहीं मूर्ति रखी जाएंगी, कहीं कोई नई परम्परा नहीं होगी। अगर कोई नई परम्परा है तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। जो परंपरागत तरीके से जो कार्यक्रम होते हैं वो हो जाएंगे उनको हम करेंगे, लेकिन अगर कोई नया कार्यक्रम आप स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको अनुमति लेंगे, बिना अनुमति के नया कार्यक्रम आप नहीं करेंगे। इसी बात यह है कि कहीं से एक दो सूचनाएँ आई हैं कि साहब जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती थी वहाँ पर अब कुछ मकान वकान बन गए हैं तो लोगों को समस्या हो रही है, तो उसके लिए ऐसे अगर कोई स्थान है बाकी तो मैं जाके देख ही लूँगा, हर जगह जा करके लगभग मैं देख रहा हूँ आगे भी देख लूँगा, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है किसी को कोई परेशानी है तो हमें बताएगा या अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा, कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर आपको परेशानी हो रही तो मुझे तत्काल सूचित करेंगे, मैं आकर के मौके पर व्यवस्था बनवा लूँगा ठीक है। और उसके अलावा देखिए एक बात और बता दें कि जहाँ पर मूर्ति माँ को स्थापना की जाएगी वहाँ पर प्रयास ये करिए, हम लोग तो देखिए हर मूर्ति के पास जाते हैं सुरक्षा रहते हैं, प्रयास करेंगे कि हर मूर्ति के पास हम ड्यूटी भी लगाएं, लेकिन चूंकि ज़्यादा होता है तो थोड़ा आपकी भी जिम्मेदारी होती है। और आप मानिए कि जहाँ पर माँ की मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ 1-2 आदमी को रात भर रात दिन रहना चाहिए और जगते रहना चाहिए है ना। वैसे मैं प्रयास ये करता हूँ आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें कि 5 लोगों की एक कमेटी टाइप बना लें और उनको ये जिम्मेदारी होगी कि वो रात में रह करके अच्छे से जगते भी रहेंगे बारी बारी, कोई ज़रूरी नहीं पूरी रात आप देंगे, जैसे 4 घंटे उनको बता दिया 4 घंटे उनको बता दिया, इस टाइप से करते रहेंगे। 4 बजे से तो 5 बजे से सब
जग करके और माताएं पहले पहुंच जाने लगती हैं, लेकिन जो पीरियड है इधर 10 बजे से और 4 बजे का रहता है, मतलब 6 घंटे का लगता है। 6 घंटे में अगर 3 आदमी है तो 2-2 घंटा पड़ जाएगा, 2 आदमी है तो 3-3 घंटे आराम से आदमी जग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर आप जगते रहेंगे, बैठे रहेंगे, और ये स्वाभाविक भी है, ये सब लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि माँ की स्थापना जहाँ की जाती है वहाँ जागना चाहिए, लोग जागरण कराते हैं इसीलिए, है ना। तो इससे क्या है कि कभी कभी मान लो हर जगह नहीं है तो आप अपनी वहाँ सुरक्षा भी बनी रहती है और वहाँ पर अच्छा भी रहता है, आप देखते रहते हैं। क्योंकि पिछली बार कोतवाली में थोड़ा से कि माँ की मूर्ति की स्थापना की गई थी, वहाँ पर फिर कई काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और उसको जो है थोड़ा सा दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर वो खैर समझा बुझा कर मामला ख़त्म हो गया था। तो उसमें होता क्या है कि इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने कहा कि कमेटी टाइप क्या बना देंगे 5 लोगों की, नहीं रहती है कमेटी नहीं रहती है, और वो कमेटी अपना सुरक्षा करेगी, बाकी पुलिस भी रहेगी आपके साथ हर समय, पुलिस रहेगी जो जहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है वहीं हर समय, हमारी जितनी भी चीता मोबाइल है, 112 वाली मोबाइल है, हमारी थाना मोबाइल है, ये हर समय भ्रमण करती रहेगी। लगभग रात में मैक्सिमम मूर्तियों पर हमारे ये लोग जाएंगे, देखेंगे कि आप लोग बैठे हैं, सुरक्षित सुरक्षा कर रहे हैं, आप लोग जाग रहे हैं, कोई समस्या है तो उनको आप बताएंगे, हमारा नंबर रहेगा हमको बताएंगे, ठीक है। कि जो ये हवन वगैरह करते हैं वो करते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करें कि अगर अचानक कहीं कोई ऐसी समस्या आती है आग लगने की उस टाइप की, तो वहाँ पर आग बुझाने के जो यंत्र हैं उनको आप जरूर रखें। एक तो आता है वो नहीं लगा सकते हैं, तो कम से कम पानी है, बालू है, वहाँ पर जो है कम्बल टाइप या बोरा टाइप का कोई चीज़ है, ताकि अचानक हम उसके कंट्रोल कर लें, अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उसके कंट्रोल कर लें। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहाँ पर कोई ऐसी समस्या ना आने पाए, है ना। इसके अलावा फिर विसर्जन का होता है, ये सुरक्षा की बातें हो गई, लगातार जिस दिन से स्थापना होगी जब तक विसर्जन होगा तब तक ये सुरक्षा की बात होगी कि हम सुरक्षा कमेटी, हर मूर्ति की कमेटी रहेगी, उनका काम रहेगा सुरक्षा करना, वहाँ पुलिस की भी ड्यूटी रहेगी, पुलिस भ्रमणशील भी रहेगी ताकि सुरक्षा बनी रहे। अब विसर्जन का बात आती है, जब विसर्जन की आएगी तो विसर्जन में जरा ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तो स्थितियाँ आती हैं कि बहुत बड़े जो है डीजे इतनी तेज आवाज़ में लोग बजाते हैं कि उससे क्या है कि हम भी हिलते हैं वो भी हिलते हैं। तो इसके लिए हम डीजे वालों की मीटिंग कर लेंगे और उसको उनको बता देंगे कि एक तो निर्धारित जो आवाज़ है उसके अनुसार ही डीजे जो रहेंगे बजेंगे, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं, देखिए उससे क्या होता है कि कुछ लोगों को आनंद आता है, कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसके लिए हम डीजे वालों की मीटिंग वगैरह भी करेंगे और उनको बता भी देंगे। दूसरी बात, डीजे के बजाने के समय देखिए नवरात्रि है, कई बार हमने देखा है उसमें फूह हटा के गाने गा करके बच्चे गुब्बल लगवा करके और डांस करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। बाप उम्र करते हैं तो प्रेमनगर क्षेत्र की एक ही शोभा यात्रा होती जिसको बेधड़क पार्टी निकालती है, वो भूषण टाकीज वाले पदाधिकारी होते हैं। तो वहाँ पर मैं SSI साहब से भी कहूँगा कि भूषण टाकीज के जो पदाधिकारी हैं उनको बुला करके साहब के सामने पूरी कार्य योजना आप जो है उसको समझ लेंगे। दूसरे बाकी सभी लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ लेके आ जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद आखिरी में जिस दिन मूर्ति विसर्जन होता है उस दिन विजयदशमी समारोह मनाया जाता है। तो अब ये विजयदशमी समारोह बहुत भव्यता से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं कि इसको हम लोग बहुत सूक्ष्म में उसको आयोजित करेंगे, उसकी सूचना आपको लिखित रूप से दे दी जाएगी। इसके अलावा जैसे खाती बाबा क्षेत्र है, खाती बाबा क्षेत्र से जो लोग आए हैं वो यदि कोई सुझाव देना चाहें, हमारे सभासदगण भी आज प्रभारी निरीक्षक महोदय ने कहा था कि सभासदों को भी बुलाया जाए, तो सभासद भी आए हैं अपने गलिया गांव से। दूसरे ये रामलीला वाला जो मंचन का कार्यक्रम है, ये बाहर से जो मंडली आई है तो इनको जो है सिद्ध बाबा की तौरिया पर ये मंचन होगा, तो उसके लिए भी नवरात्रि में ये भी कार्यक्रम होगा। इसके लिए अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो हमारे जयपुर या अरुण सिंह जी जो प्रबंधक हैं, मैं प्राची चित्रकारी ये कोई भी सुझाव देना चाहें तो आप महत्वपूर्ण सुझाव से अवगत कराएंगे। उसके बाद अभी हम लोग जो है जैसे मूर्तियां 25 तारीख को आएंगी, मूर्ति आगमन होगा 25 तारीख जी, जी, 25 को शाम के देर रात तक और 26 तारीख को मूर्ति स्थापना सर होगा और 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी।
तो मुख्य रूप से जो प्रेमनगर की समस्या, प्रेमनगर में जो मूर्ति का कार्यक्रम है वो ये है कि दिन भर कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सायंकालीन समय में जब आरती होती है तो आरती का समय सभी जगह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में होता है। उस समय घर से माताएं बहनें निकलती हैं और वो जगह जगह आरती होती है।